है। अगर भारत दूसरा टेस्ट मैच जीतता है तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन बन जाएगा, साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपना स्थान तय कर लेगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस मैच को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कंगारू टीम अगर मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह टेस्ट में नंबर वन का ताज अपने पास ही रखेगी। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज में एक एक की बराबरी भी कर लेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। पहले मैच में जहां पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने महज तीसरे दिन में ही घुटने टेक दिए थे, नागपुर में भारतीय गेंदबाजों के सामने एक भी कंगारू बल्लेबाज टिक नहीं सका था। और अब दूसरा मुकाबला उस मैदान पर खेला जाएगा जहां भारतीय टीम पिछले 36 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है। जी हाँ, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का टेस्ट में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इस मैदान पर अब तक 36 टेस्ट मैच खेले गए हैं, इनमें से टीम इंडिया ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं मेहमान टीम 6 मैच जीतने में कामयाब रही है, जबकि 15 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। इस मैदान पर पहला मुकाबला साल 1948 में खेला गया था, तब भारत का सामना वेस्टइंडीज से हुआ था। वहीं आखिरी टेस्ट मैच 2017 में खेला गया था। यह मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था और ये मुकाबला ड्रॉ रहा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो ये 8वीं बार होगा जब दिल्ली में भारत के सामने कंगारू टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। दिल्ली के इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना 2013 में हुआ था। इस मुकाबले को भारत ने 6 विकेट से जीता था और अब करीब 10 साल बाद फिर से दोनों टीमें इसी मैदान पर सामने आमने होगी। इस मैदान पर भारतीय टीम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी रही है। भारत ने यहां 7 में से 3 बार ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है, 3 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। हालांकि 1959 में ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 127 रन से भारत को शिकस्त दी थी। इसके बाद आखिरी बार भारत को इस मैदान पर हार वेस्टइंडीज के खिलाफ 1987 में खेले गए मैच में मिली थी। हालांकि उस टीम में गॉर्डन ग्रीस, विव रिचर्ड्स और मैल्कम मार्शल जैसे सितारे थे। उस समय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू भी नहीं किया था, विराट कोहली पैदा ही नहीं हुए थे और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 7 महीने के थे। टीम इंडिया यहां ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका को धूल चटा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को यहां आखिरी जीत 64 साल पहले 1959 में मिली थी और उसके बाद से टीम 6 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। दिल्ली और चेन्नई भारत के उन मैदानों में से है जहां 5 से ज्यादा मुकाबले खेलकर ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत सबसे खराब है। दिल्ली का ये मैदान विराट कोहली, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा और आशीष नेहरा जैसे दिग्गजों का होम ग्राउंड है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। सचिन ने यहां 10 मैचों की 19 पारियों में 759 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में अनिल कुंबले के नाम यहां सबसे ज्यादा 58 विकेट हैं। इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली उत्तरी टीमों ने अब तक 6 मैच जीते हैं। वहीं बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैचों में जीत हासिल की है। शुरुआती दिनों में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन रहती है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर फिर अपना जादू दिखाएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम के इस ट्रैक पर गेंदबाजों को बहुत कम उछाल मिलता है, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए यह ट्रैक मुश्किल साबित हो सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत 342 रन है, जबकि चौथी पारी का औसत स्कोर 165 रन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना